दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इनकमिंग कॉल स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो हमें पुराना बटन स्टाइल शो होता है। अब आप बहुत ही आसानी से इनकमिंग कॉल स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक कॉल करके दिखा देता हूं, ठीक है, कि जब आपके पास कॉल आएगा तो आपका जो स्क्रीन है वो कैसा दिखेगा। तो हम एक कॉल करते हैं, तो दोस्तों यहां पर कॉल आने वाला है, और दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगा आपको कुछ इस तरह का इनकमिंग कॉल स्क्रीन देखने को मिलेगा। आप एंड्रॉइड की जगह पर iOS का बटन स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल्स को रिसीव कर सकते हो, और दोस्तों बैकग्राउंड में आप फोटो सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो फोटो काफी ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। इस तरह दोस्तों आप बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो, या किसी और का फोटो लगा सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई कैसे आपने इनकमिंग कॉल स्क्रीन को इतने अच्छे से कस्टमाइज किया हुआ है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है आई कॉल स्क्रीन। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.1 की काफी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज्यादा बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, कैसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको होम स्क्रीन से अपने पुराने डायलर को रिमूव करना है, ठीक है, अपने फोन के पुराने डायलर को रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहां पर लाकर सेट करना है, ठीक है। आपको इस तरह यहां पर लाकर एप्लीकेशन को सेट कर देना है। अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों अब आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। आपको इस एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पर सेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पर सेट करते नहीं है, इस वजह से उनके फोन में एप्लीकेशन काम नहीं करता है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर टैप करना है। आपको नेक्स्ट करते जाना है। अब आपको लेट्स डू इट पर टैप करना है, ठीक है। एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पर सेट कर देना है, सेट एज डिफॉल्ट करना है। इसके बाद आपको ओके पर टैप करना है। आपको एक दो एड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको यहां पर आईफोन का जो डायलर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप आईफोन के डायलर को अपने फोन में यूज कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आईफोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आपको शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेटिंग मिलेगा, आपको सेटिंग पर टैप करना है। आपको यहां पर काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज कॉल बटन स्टाइल, आपको इस पर टैप करना है, परमिशन को ग्रांट कर देना है, अलाउ करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे बटन स्टाइल मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों उस बटन स्टाइल को आप अपने फोन में यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो जो आईफोन का बटन स्टाइल है वो हमारे फोन में सेट है, ठीक है। इस तरह आप आईफोन के बटन स्टाइल को सेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज वॉलपेपर, आपको इस पर टैप कर रहे हैं। अगर आप इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो सेट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहां से फोटो को सेलेक्ट करना होगा। आपको यहां पर काफी सारे एनिमेशन भी मिलेंगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो, लेकिन हमें फोटो सेट करना है। सिंपली आपको चूज फ्रॉम गैलरी पर टैप करना है, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों अब आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो हम एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको इसको कट कर देना है। अब इसके बाद आपको इस तरह फोटो को क्रॉप करना है और ओके पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों फोटो आपके इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ओके पर टैप करना है। तो दोस्तों इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड में हमारा जो फोटो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। आपको बैक जाना है। अब हम एक कॉल करते हैं,
और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा हमारा जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन है वो दिखता है। आप देख सकते हो ये वाला फोटो बैकग्राउंड में हमने सेट किया है। ठीक है, अब हम एक कॉल करते हैं। तो दोस्तों हमने कॉल कर दिया है, कॉल आने वाला है। अब आप यहां पर देख सकते हो कॉल आ चुका है और जो स्क्रीन है देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर फोटो को सेट कर सकते हो, बटन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, यानी एंड्रॉइड की जगह पर आईफोन का बटन स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और कॉल को इस तरह स्लाइड करके रिसीव कर सकते हो। आप देख सकते हो देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।